मैंने नहीं कहा सर आपको, सामने ही बैठे हैं। नहीं मैंने नहीं रुकवा, आप किसी को खाली कर रहे भाई, आप लोग सरकारी जमीन है ना, ये खाली क्यों नहीं कर रहे? कब करोगे? हाँ बहुत टाइम, मैंने तो दे रखा था 6 दिन का टाइम आपको। अभी थोड़ा बहुत टाइम लेना। कितना टाइम? कितना 8 दिन का। खाली करना पड़ेगा आपको। आप मेरी बात सर, हमें आप सुनो मेरी बात, आप क्या कह रहे हैं? इतक कर दे दो गरीब आदमी भाई साहब, इतक कर दे दो। हां ये मीठी ईद आ रही है, ईद के बाद चले जाते लोग, मीठी ईद के बाद कितने महीने हैं, कितने महीने हैं? ये शराब एक महीना हो, एक महीना बाकी है, ईद करके चले जाएंगे। ये नया 24 जैसे आपकी इच्छा हो। 10 दिन में रमजान लगने वाला है, 1 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद त्योहार बना के चले जाएंगे। आप 1.5 महीने आज है, कितनी बात कर रही है? 15 तारीख को हम खाली करने हैं। 10 दिन में क्या हो जाएगा? नहीं होना तो फिर कल आ जाऊंगा। अरे अरे रमजान कब का है? 14 तारीख का। मेरी बात सुनो, 15 तारीख को खाली, 15 तारीख से पहले खाली चाहिए, नहीं तो देखो आपका सामान कैसा है। हम तो त्यौहार कहाँ लेकर जाए, मुझे नहीं पता। त्यौहार आपका होली का, आपने 14 तारीख होली मान लिया। हाँ होली से आगे भी आपने सामान एक बार आप हमें टाइम 14 तारीख तक टाइम है, 15 तो ये खाली होनी चाहिए, नहीं तो सामान के सही नहीं उड़ा। 14 तारीख को तो रमजान ही पड़ रहा है, रमजान कर लो। अरे ईद कर लो दो बाबूजी, बड़ी मेहरबानी होगी सर। तुम्हारे बच्चे बने रहे, ईद करके चले जाओ, ईद करके आप लोग त्यौहार करके चले जाओ। 14 तारीख तक खाली करो, 14 तारीख तक का टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते का टाइम और दे रहा हूँ। पहले आपको 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, उन्होंने आती भी करवाई, फिर भी आप नहीं हटना चाह रहे। देखो जबरदस्ती हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर निगम की जमीन पर ऐसे कब्जा रखोगे तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, 14 तारीख तक आप खाली कर लें, 15 तारीख को नहीं तो आपके सामान के सही रमजान को कर ना, 14 तारीख तक त्यौहार करने। अभी माननी आपने 14 तारीख तक या नहीं? अरे लास्ट ईद कर लेना, 14 तारीख तक देखना, बाबूजी कह रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर, दिखाएंगे। हाँ मोहन, ओ मोहन घर बसाने का कार्य करती है, वहीं पर सरकार आज इन लोगों को उजाड़ने का कार्य भी सरेआम दिख रही है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है यहाँ पर, विभाग यहाँ पर लगातार तोड़ी कर रहा है। आपको झोपड़ी व्यापार सदन का एरिया है, जहाँ पर ये इंपोर्टमेंट लगातार तोड़ने का देख सकते हैं, झोपड़ी झोपड़ी तोड़ दी गई है। ये हमारे साथ लाइव इंडिया के साथ आप देख रहे हैं, सारे परेशान हो गए, इनके पास टाइम नहीं है।
पीटीपी इन्फॉर्मेशन विभाग ने फिलहाल अभी टाइम दे दिया, 14 तारीख तक का टाइम दे दिया है, जिसमें 15 तारीख का होने के 14 तारीख तक टाइम खत्म करना, आपको अपना घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि उनसे बातचीत में बताता है, ये जगह निगम की है, तो इस प्रकार निगम की जगह बात करते हैं, जहाँ पर आज निगम घर तोड़ने पर लगी, क्या निगम सिर्फ झुग्गी झोपड़े पर ही तोड़ेगी, क्या आज गुड़गांव के अंदर जो फ्लैट 5-5 मंजिला 4-4 मंजिला इमारत बनी हुई है, निगम का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्यों, क्या सरकार को सिर्फ यही झुग्गी झोपड़ी दिखती है, क्या सरकार की बात सुने तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश को बसाने का कार्य करते हैं, वहीं पर देश के ये झुग्गी झोपड़ी का उजाड़ने का काम नगर निगम कर रही है, क्या सरकार को ये नहीं पता कि झुग्गी झोपड़ी क्यों उजाड़ी जाती है, क्या किसी का घर उजाड़ने पर उनको कुछ नहीं समझ में नहीं आता, हम बात ये बात करेंगे यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं कि क्या कहना उनका इस टॉपिक्स को लेकर, क्या बात है मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, आज हमारा स्थापना दिवस है पार्टी का, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो नगर निगम कर्मचारी है, गरीब आदमी उनको बढ़ाया जा रहा है, झुग्गी तोड़ा जा रहा है, उनको टाइम दिया जाए, और सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इनके लिए। सर आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, और बात करें जहाँ पर हम बात करते हैं स्थापना दिवस ही मना रही है, वहीं पर सरकार एक तरफ बचाने का कार्य करती है, वहीं पर निगम तोड़ने का कार्य कर रही है, इसका क्या कहना है? ऐसा है जी, जो नियम के अनुसार जो जगह है सरकार के है वो तो खाली करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने अनुरोध किया उनसे कि कुछ समय के लिए वो टाइम दे दिया जाए, आगे इनके लिए कुछ आशिया नाम है और उसमें कहीं ना कहीं जगह दे तो जिस प्रकार बसाने का निगम की जमीन है, अगर निगम की ही बात करते हैं, 5-5 मंजिला गुड़गांव में खड़ी है, उसको लेकर निगम के ऊपर उसे यहाँ पर कुछ बनने वाला है और नगर निगम में कोई प्लानिंग है उस कार्य करने के लिए इनको हटाना पड़ेगा, इसलिए इनको यहाँ से हटाया जाए। सर बात हटाने की बात कर रहे हैं, गुड़गांव में 5-5 महीने इमारतें खड़ी है, उस पर निगम निगम का ध्यान नहीं है, क्यों? वो तो जी अपना नक्शा पास करके कराते हैं जी, ये तो अधिकारी बताएंगे जी। ये देखो इन्होंने बताया कि ये मजबूरी है, निगम की जमीन अगर खाली करना पड़ेगा, लेकिन जो चौथा का भी समय दे दिया गया है, उसके बाद हम यहाँ से कुछ और भी जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, तो दिखाएंगे क्या मुद्दा है। सर मेरा नाम मोहन है। कब से आते हैं यहाँ पर? मैं जनाब यहाँ मेरे को 35 साल हो गए। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या क्या है, हमारे बच्चों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, और इनके सबके कोई घर मकान भी नहीं है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इनको कुछ घर मकान मिल जाए। पानी के लिए हम यहाँ से 50 साल से रहते हैं सर, हमारी तो खैर इतनी उम्र नहीं है, हमारे पापा की है, हमारी मम्मी पापा जो भी हैं हमारे, 50 साल ना रहते रहते हो गए ना, तो हम पे कोई ना पे ऐसा नहीं है कुछ भी, अगर बाकी हमारे पे बोर्ड लिस्ट वगैरह नहीं की है, हमें रहते हुए ना हो गए, हमें कोई जमीन तो नहीं, हम कहीं चले जाए, हम बहुत परेशान मजबूर बंदे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। 14 तक का टाइम मिला, उसके बाद क्या करने वाले हैं? बाद में कहाँ जाएंगे, हम पे जमीन नहीं है, हम रोड पे बैठ जाएंगे, रोड पे अपने बच्चे लेके बैठ जाएंगे, क्या रोड पे नहीं बैठ सकते, हमें कहीं जगह दें तो हम जाएं, हमारी सुविधा करें तो कहीं जाएं। 50 साल से बंदा रह रहा है यहाँ पे, तो उनका सारा सबूत है हमारे पास, यहाँ की जगह का सबूत है हमारे, बोर्ड लिस्ट है, सब कुछ है। अब हम आप बोल रहे हैं कि सब बोल रहे हैं कि जाओगे कहाँ, तो हम तो रोड पे ही बैठ सकते हैं, हमारे पे जमीन तो है नहीं। कोई नोटिस दिया आपको? नहीं, कोई नोटिस वोटिस वगैरह कुछ नहीं आया ना, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई चुप नहीं आया हमारे, सिर्फ आते तोड़ताड़ कर देते हैं, पहले तो आग लगा दी थी झुग्गियों में हमारी, एक बंदा जल के भी परेशान हो गया था, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, हमने जाके की, हमें समझाया गया कि भाई तुम रह लो, और अब फिर दोबारा ऐसे कर रहे हैं, हमारा सामान तोड़ रहा है, सारा चीज सब जगह पहले गए होंगे, तो हम विधायक के पास गए थे, विधायक के पास नहीं गए थे, गए तो थे ना पे एक दफे, गए थे हम, गए थे एक हफ्ता हो गया, हम जीसी पे भी गए थे, हमने मोहर लगा के दी थी, कह दी थी तुम्हारी झुग्गी रुक चुकी है, तुम दिवाली तक रुको और फिर तुम्हारी सहायता देखी जाएगी दिवाली से बाद। तो तुमने इनको दोबारा क्यों नहीं गए विधायक जी के पास? दोबारा के उन्होंने टाइम दिया, गरीब आदमी नहीं जाते, कबाड़ा कूड़ा चुकते नहीं, वहाँ टाइम नहीं मिला जाने का, चौथा है झुग्गी झोपड़ी जाए तो क्या करोगे, जाओगे नहीं? आप जाएंगे जी, जाएंगे, आप तुम बताओ, झुग्गी नहीं रुक रही तो फिर पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर भी जाना पड़ेगा, जाओगे कहाँ, तुम्हारे पास जमीन है, कल फिर जाएंगे, अब झुग्गी टूटेंगे, जब बच्चे मरे, चाहे धूप में मरे, चाहे प्यासे मरे, चाहे भूखे मर जाएंगे, भाई हम सड़क पर रहेंगे सर, हमारे यहाँ से हमारी कोई कहीं जगह नहीं है, हमारे पास जब यहाँ से भगाएंगे तो रोड पर से तो कोई नहीं भगाएगा,
जब हम बच्चे का तो मरेगा तो सरकार हमें कहीं बैठाएगी, यहाँ से तो हम कहीं जाने वाले नहीं। बता हम हाथ भी जोड़ रहे हैं कि जी हमारे रमजान लगने 14 तारीख का हमारा रमजान है, हम मुसलमान बंदे मर जाएंगे हम टेंशन में, हम नमाज नहीं पढ़ते जब तक हमारा खाना जम नहीं होता। जी हमारे रमजान चले गए तो नू समझो कि हमारा परिवार नष्ट हो गया। जी हमें रमजान तक का टाइम नहीं दिया जा रहा है, यहाँ ऐसा अत्याचार तो पूरी हिंदुस्तान में नहीं है जो गुड़गांव के अंदर हो रही है। अरे सबके बच्चे हैं, सब किसी का तो बच्चा, कोई तो दया करो गरीब आदमियों पे। कहाँ जाए हम, कहीं नहीं जा सकते जी, हमारे कई तो बुजुर्ग मर गए हैं, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी यहाँ तक को 14 का टाइम दिया गया है, 14 के बाद इन्होंने कहा कि विधायक जी से भी मिले थे, परंतु फिलहाल विधायक जी से कोई सुनिश मिला भी था कि आगे झुकेंगे तो झुके जाएंगे, परंतु फिर भी अब झुकी झोंकी तोड़ने के लिए रेडी निगम इन्फोर्मेंट विभाग आ चुका है। फिलहाल अभी हम लोग इस समय कहा कि हम फिर से विधायक जी के पास जाएंगे और अपील करें कि हमारी झुकियों को ना तोड़ा जाए, क्योंकि रमजान सर पर है, हमारे का त्यौहार कहते हैं रमजान और ईद के सवाल से इन्होंने ईद तक का टाइम मांगा था, परंतु इन्फोर्मेंट विभागों ने ईद तक का टाइम नहीं दिया, हमको 14 का टाइम आपको दे दिया। जो इतने टाइम से इन्होंने कब्जा कर रखा था, तो इनका एक ही सवाल है आपसे आम जनता का कि अब वो लोग कहाँ रहेंगे? ऐसे जी, ये निगम की जमीन है। जी सर, निगम की जमीन के ऊपर हमने यहाँ पर अपनी ही निगम की बिल्डिंग और उसकी प्लानिंग कर रखी है। अगर हम यही सोचें कि कोई अवैध हमारी जमीन पर बैठा है उसको हम कहाँ रिहेबिलिटेट करें, तो हमारा तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो इनको हमने हफ्ते का टाइम दिया है, उसके बाद आज भी मैंने उनको 5-6 दिन का टाइम दे दिया है, उसके बाद अगर नहीं खाली करेंगे तो हम अपनी ज़मीन को खाली करवाएंगे। सर मुझे बात यह है कि और भी जगह अवैध मकान अवैध बने हुए हैं, तो उस पर आप क्या इनको मस्त है? ऐसे जी, लगभग 1000 एकड़ के ऊपर हम कार्रवाई कर चुके हैं, 500 हमने स्ट्रक्चर तोड़ दिए, तो हम हर रोज़ आराम से नहीं बैठे, हमारे पास एक सेकेंड का टाइम नहीं, जितनी बेस्ट पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं। तो अभी इनको जो टाइम दिया गया है, इनका मानना कि हमें कहीं ज़मीन दी जाए, तो उस पर क्या कहना आपका? ऐसे जी, सारी अगर निगम की ज़मीन के ऊपर कब्जा करके हम उनको ज़मीन ही देंगे, तो निगम की ज़मीन के ऊपर तो हर कोई कब्जा करके हमारे से ज़मीन मांगेगा। तो अभी हम क्योंकि हमारी ज़मीन खाली करें, पहले अपनी इंटेंशन शो करें, फिर सरकार जो फैसला करेगी करेगी। सर एक क्वेश्चन ये है कि जब तोड़फोड़ होती है तो ये भी सामने आता है, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं, आप पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि जो बड़े घर हैं उनको कुछ नहीं होता और गरीब लोगों की मार के लिए ये सारी तोड़फोड़ हो रही है। देखिए जी, ऐसे है, ये तो सरकारी ज़मीन है, उससे पहले भी हमने अभी कृष्णा कॉलोनी में सीलिंग की है, उससे पहले हमने 5 मंजिल बिल्डिंगें कराई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भेदभाव ऐसा हो रहा है, और अगर किसी को लगता है कि ऐसा भेदभाव हो रहा है हमें पूरी लिस्ट दे दे, हम सभी को तोड़ देंगे, सीलिंग करेंगे तोड़ेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, एनफोर्समेंट ऐसे स्ट्रिक्ट रहेगी और आगे भी ऐसी चलेगी। सर जैसे हमने कई बार आपको ऑन मौके पे भी देखा है काफ़ी बार, तो काफ़ी बार आप जैसे समय भी दे देते हैं, तो क्या इनके थ्रू आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है? जैसे आपने पिछले बार में बताया था कि अगर किसी को परमिशन चाहिए तो आप परमिशन देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे हमने जैसे DLA Phase 3 में यू ब्लॉक में मैंने 150 दुकानें सील की, 150 में से मेरा ख्याल 50 लोगों ने अपनी परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो बड़ी नॉमिनल फीस है। तो हमारा ये मकसद है कि जो सरकार की पॉलिसी है उसमें जो फिट बैठता है वो ले परमिशन, उसको हम उतनी ही जल्द परमिशन भी देंगे। तो वो 10 साल से अगर विदाउट परमिशन बैठे थे तो सख्ती के कारण परमिशन ले रहे हैं, हमें यही चाहते हैं। सर लेकिन अगर हम DLF यू ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास एक ऐसी भी न्यूज़ आई है, वहीं के किसी शॉपकीपर ने ये बात भी बोली है जिन्होंने परमिशन ले रखी थी, जो कमर्शियल के अंडर आते हैं वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई है। सर नहीं, जो कमर्शियल के अंडर आते थे वो आपकी बात जो कह रहे हो आप, तो सिर्फ दो ही दुकानें थी, उसको कमर्शियल जो अलॉट किया गया है उसने उसके अलावा भी सारा सेटबैक कवर कर रखा था, तो कल को फायर इंसिडेंट हो जाए तो सरकार क्यों जिम्मेवार अपने आप को ठहराए? इसलिए उनकी कमर्शियल दुकान को नहीं तोड़ा गया, उनके सेटबैक को तोड़ा गया, और वो उन्होंने राइटिंग में दे दिया कि हम कमर्शियल यूज़ करेंगे, हमने अलाउ कर दिया। लेकिन सर बात यहाँ पे ये भी उठती है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो अब जब ये यहाँ पे रहन बसर कर रहे थे तब भी तो गवर्नमेंट को कुछ नॉलेज होगी इसके बारे में? ऐसे टाइम टू टाइम हर विभाग कोई ना कोई एक्शन लेता है, सिर्फ ये है कि जी अब हमारी ये मंशा है कि जी एक बार सख्त कार्रवाई करो, ताकि हम अपनी पुलिस फोर्स, अपनी टीम और अपने रिसोर्सेस एक ही चीज़ को हटाने के लिए 10 बार नहीं आना चाहते। हम 52A में हमने 2500 झुग्गी हटाई है, 100 लेबर क्वार्टर भी हटाए हैं, और हम अभी भी उस पर निगरानी रखे हुए हैं। ये नहीं है कि हम दोबारा कार्रवाई करें, सरकार की कोई भी नीति है उसको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ये हमारी मंशा है, आप रूल को फॉलो करें और सरकार से ऊपर कोई नहीं है जी।
सर बात करें अभी आपने जो झुग्गी झोपड़ी हटाई, लेकिन सदर बाजार की तरफ जितना अवैध निर्माण, अवैध झुग्गी रेडी लगती हैं, अवैध ट्रैफिक खड़ा होता है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है ऐसे जी? आप ये ना बोलें कि हमारा सर डेली काम है। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि गुड़गांव जो है वो बहुत बड़ा गुरुद्वारे की हम बात करें, खांडसा रोड की हम बात करें, खांडसा मंडी की हम बात करें, मेरी बात सुने। आप एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, शायद हमारे पास 100 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, लेकिन जितने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हम कर सकते हैं। सदर बाज़ार में भी अभी जॉइंट कमिश्नर साहब ने कुछ बिल्कुल एक हफ्ते अच्छा काम किया है, उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस सारी चीज़ को, हम चाहते हैं गुड़गांव को स्मार्ट सिटी, जो CM साहब चाहते हैं ना, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं और वो बना के रहेंगे। अगर कोई उससे ऊपर भी जाता है तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। शायद आज भी सदर बाजार के आसपास में शाम को ही राउंड लगाऊं, देखते हैं जी, बिल्कुल 30% इम्प्रूवमेंट हो। सर यहाँ पे आपने अभी एक स्मार्ट सिटी की बात करी, तो स्मार्ट सिटी में क्या ये गरीब तबके के लोग भी रह पाएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से तोड़फोड़ हो रही है तो सरासर गरीब मार ही हो रही है सर अभी तो फिलहाल। मैडम ये तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको फैक्चुअल सिचुएशन अभी पूरी नहीं पता, तो आप ये स्टेटमेंट ना दें कि गरीब मार हो रही है। हम रूल फॉलो कर रहे हैं, और रूल फॉलो करने के लिए किसी के लिए भी कोई पॉलिसी अमेंडमेंट चाहिए, सरकार उसके लिए भी हमेशा ओपन माइंडेड है। लोग लिख कर दें, उसका भी समाधान हम करेंगे, लेकिन कोई अवैध कब्जे ना करें, ये हमारी मंशा है। सर एक खबर पहले उठी थी शीतला कॉलोनी में 300 मीटर के दायरे में जब घर तोड़ा फोड़ी की थी, पर वहाँ उन्होंने कहा था कि हम लोग सीवर का प्रकाशन भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बाद भी क्यों तोड़ा फोड़ी? मेरे पास निगम का चार्ज अभी 10-15 दिन पहले आया जी, अगर आपने ये बोला है तो मैं इसको देख लूँगा, चेक करके बताऊँ, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हमने खबर भी कहोगे थे और विधायक जी के पास भी गए थे। मेरे पास 10 दिन पहले ही चार्ज आया, तो एनफोर्समेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया, देखते हैं जो बेस्ट पॉसिबल है। सर अब लास्ट में जो अब आप आगे अवैध निर्माण तोड़ेंगे तो आपका क्या रवैया रहेगा? सख्त रवैया ही अपनाएंगे आप? देखिए मेरा तो हमेशा सख्त रवैया रहा है, मैं लाइट लेता ही नहीं है एनफोर्समेंट को, और जो जिम्मेवारी सरकार ने दी है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए की है, तो उसके लिए भेदभाव नहीं होगा, हर किसी के ऊपर बराबर और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। तो इस पर ये जो काम करते हैं, अपना रहना था बसाते हैं किसी तरह, तो इस तरह में दिक्कत क्या होगा? लोग कहाँ तक लिख कर दे, उसके लिए जो NCC कोई पॉलिसी बना सकती है या उनका जो भी हो सकता है हम करेंगे, लिख कर दी, लेकिन जमीन के ऊपर अवैध कब्जे। ताकि लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।